बाहर तो नहीं हो रही थी। कल रात्रि से भारी बारिश पूरे जिला सागर में हो रही है, जिसके कारण यहाँ ग्राम मेहर में एक खेत के किनारे दो मकान बने हुए थे, वहाँ पर अत्यधिक मात्रा में नदी का पानी आ जाने से दो मकानों में 8 लोग घिर गए थे, जिनके लिए सागर से SDRF की टीम बुलाई गई और थाना स्टाफ और टीम की मदद से 6 लोगों में और उनके परिवार के सभी लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। लवलेस और भीकम मेन व्यक्ति है और इनका परिवार था, जिनमें 5 साल 6 साल 8 साल 1 साल के बच्चे भी हैं और इन्हीं के साथ में एक लालू नाम का डॉगी भी था, जो भी इन्हीं के बीच में फंसा हुआ था, उसको भी पुलिस टीम और SDRF टीम के द्वारा गांव वालों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया है। इनके द्वारा जब रात्रि में सो गए थे तो इनको ध्यान नहीं था, अचानक घर के चारों तरफ पानी भर गया, सुबह जब उठ के देखे तो बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था, तो इनके द्वारा फ़ोन के माध्यम से प्रशासन को खबर दी गई, जिस पर ये राहत कार्य किया गया है। बताया जा रहा है सर, ये लोग शेल्फ पे बैठे हुए थे। एक मकान है जिसमें लवलेस था, वो ऊपर छत से बंद था और दरवाज़ा अंदर से बंद हो गया था, जो सेल्फ पर बैठकर अपनी जान बचाए हुए थे, दरवाजे तक पानी भर गया था। अगर और थोड़ी देर होती तो कुछ अनहोनी हो सकती थी, लेकिन टीम द्वारा समय पर आकर सभी को सुरक्षित बचाया गया है। सभी सुरक्षित हैं, किसी को कोई गंभीर चोट या कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं है। तर गांव में तो खा लो भाई, तो आ जा रहा है। आ गया ना हो आ जाए तुम्हें तो कहा तर गांव में तो खा लो भाई, तो आ जा रहा है। आ गया ना हो अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।